है 5 बजे तक उठा के लेके आई, इंडी भी लेने के लिए के उठा के लेके आई, नींद से उठा के दर्जा खट खट खटा के, तो बच्चा भी आई हमारे साथ, हमारे हस्बैंड नमाज पढ़ने गई आया नहीं, तो हमारा बच्चा लेके आ रही के साथ साथ अलग कर दिया, हमारा बच्चा अभी तक हमारे हाथ में दिया नहीं। हम पर मैं रोहिंग्या की है, अलीगढ़ में 2015 में आई, यहाँ तो बहुत सारा लोग है, यहाँ भी अभी तो 25 लोग है। जिस टाइम हमारे देश में लड़ाई चल रहा है इस टाइम हम लोग सब लोग भाग के आई, काम किधर गई मालूम नहीं सर। जी सर, कुछ सर इधर काम करती है बेल कंपनी में काम करती है, अभी बेलदारी कर रही है, कंपनी में करने नहीं दे रही। जी जी, पहले गोश की कंपनी में काम करती है, अभी करने नहीं दे रही है काम, तो अभी बेलदारी में काम कर रही है। सुबह तक खा, रात को भी खाना खाया नहीं, घर पर चावल नहीं, इसलिए तो बेलदारी किया, बेलदारी ने पैसा दिया नहीं। सुबह यहाँ सुबह पुलिस वाला ने सब दरवाजा खटखटा के जाके लेके आई सर, तो हमारा अपने देश भी सुकून नहीं, यहाँ भी सुकून से रहना नहीं देगी, तो हम लोग सब लोग गोली लगाने के लिए तैयार है, गोली लगा देने के लिए हम लोग बिल्कुल इकट्ठा में गोली लगा देने के लिए तैयार है। हमारे बच्चा किधर लेगी मालूम नहीं सर, सुबह तक 2 बच्चा है, कपड़ा भी पहना नहीं पाई। अलीगढ़ मखदूम नगर में रह रहे थे 12 साल हो गए, करीबन अभी तो है 20-25 फैमिली। कहाँ से आए थे? म्यांमार। 12 साल पहले। अब क्या हुआ है यहाँ? आज सुबह पता नहीं क्या हुआ, इन्हें सुबह 5 बजे सबको उठा लाए। कौन? पुलिस वाले। क्या कहते? कुछ नहीं बोला, बस गए सुबह उठा के ले आया, चुपचानी से उठा के ले आया, ऐसे थाने में, कोतवाली थाने में रोका, फिर वहाँ से यहाँ ले आए। कुछ ना कह रहा, तो कह रहे कि कोई जमान में छुड़ा हुआ तो सही है, वरना जेल में। महिला कितनी है? महिला है 10-15 महिला। और यहाँ पे हम सब लोगों को पकड़ लिया है यहाँ मखदूम पीपल का गली से, अलीगढ़ यूपी अलीगढ़। तो यहाँ पे सुबह से खाना पीना नहीं खाया, ऐसे हालत में पड़ा है यहाँ पे। म्यांमार से 13 साल करीब हो गया सर। कितने लोग हैं? 20 फैमिली है सर। क्या करते हो? मीट फैक्ट्री में काम करते हैं और चर्बी वगैरह फेंकते हैं उधर मीट फैक्ट्री में। सभी लोग मीट फैक्ट्री में काम करते हैं? जी सभी लोग करते हैं वहाँ। छोटा था सर, मैं 7 साल का था उस टाइम आ गए यहाँ पे, मुझे कैसे आया, कैसे बॉर्डर क्रॉस किया ये मुझे मालूम नहीं, सब याद नहीं। गिरफ्तार क्यों किया है? गिरफ्तार कोई कसूर नहीं है, ऐसे ही बिना फालतू के ऐसे ही जाके सुबह अचानक जाके पुलिस वाला ले जाके ऐसे ही पकड़ के गाड़ी में बिठा के लेके आया।